बाद अब मैं आपको कुछ नहीं आकर दिखाता। मेरी छाने तो ये वाला है व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली, जिसके चक्कर में मैं लगी हुई थी, जिसके चक्कर में मैं लेट हो गई थी। घर में एक फंक्शन कराया है मैंने और गरिमा ने। सोचा था कि जब बच्चे 5-5, 6-6 मंथ के हो जाएंगे तो घर में या तो सुंदरकांड कराएंगे या जागरण कराएंगे, तो ये उसी की तैयारी चल रही है। इसी के चक्कर में मैं लेट हो गई थी। और एक बात, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि आपने इरा का मुंडन करा दिया, बल्कि पीकू बड़ी है तो पीकू का क्यों नहीं कराया। तो उसका रीज़न ये है कि जब इरा का हवन हुआ था तभी हमने पीकू का भी मुंडन करा दिया था, और अन्नप्राशन डे भी आज ही है। जब घर में कोई फंक्शन होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए व्लॉगिंग करना, लेकिन फिर मुझे आप लोगों की याद आती है कि आप लोगों के साथ मुझे हर चीज़ शेयर करनी होती है, तो मैं व्लॉग बना ही लेती हूँ। तो बहुत मेहनत करी है मैंने इस व्लॉग को बनाने में और इसकी एडिटिंग करने में, इसलिए मुझे ये टाइम लग गया था। मैं 3 दिन से गायब थी, और आज मतलब जिस दिन का ये ब्लॉग है, नौमी वाला दिन है, नौमी से अच्छा और शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उसी दिन हमने डिसाइड किया था सुंदरकांड कराएंगे घर में, और बच्चों का अन्नप्राशन भी सेम डे ही कराएंगे, क्योंकि नौमी का दिन तो बहुत ही शुभ माना जाता है।
धीरे 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 साइड मुझे साइड में ये तो ऐसे ही हटेंगे लड्डू गोपाल रहेंगे बीच में पते नमः स्वस्ति नोदस्रवा स्वस्ति ना पोखा विश्वेदा स्वस्ति नुस्ताक्षुरष्टमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुपया पृथिव्यां पयोगदीशु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोदः पयश्रुतिः पुरुषा सन्तु ब्रह्मा विष्णुं ददातु सुनुपस्त्वस्य विष्णुं सेवनविष्णुं भरोसे विश्वानि देव शब्द दूतानि परास भद्रं तन्यासवे तन्त्रदेव सप्तरेग्यं प्राहुर्बृहस्पते ब्रह्माणे मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना मशीन स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा अधीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो फंक्शन स्टार्ट हो गया, मेरा आधा मेकअप तो उतर भी गया है, तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ ये वाला व्लॉग। फिर आगे का पूरा व्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज घर में जो फंक्शन हो रहा है उसकी पूरी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। समायरा ने तो कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, तो मैं बहुत हाँ क्योंकि बहुत देर हो गई है। मैं व्लॉग मतलब पहले ये मैं बाद में शूट कर रही हूँ, व्लॉग मैंने पहले बना लिया था। तो मैंने कहा कपड़े बदलने से पहले आप लोगों को आज मैं अपनी लुक दिखा दूँ कि मैंने क्या पहना है। और ये वाली ड्रेस मैंने गरिमा के बुटीक से ही बनवाई है, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपनी ये ड्रेस। तो मैंने पहनी है आज ये ड्रेस, ये लहंगा कम साड़ी है, मतलब इसी में यहीं पर ये कनेक्टेड है जो ये इसका पल्लू है। ये गरिमा ने डिज़ाइन करी है, उसका भी पीच कलर में है और मेरा रेड कलर में है, सेम है दोनों की, बिल्कुल बिल्कुल सेम ड्रेस है। ये पूरा फैब्रिक उसने लिया और फिर इसको इस ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ से दिखाती हूँ, ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, पीछे से इसकी लुक ऐसी है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं ये वाला ब्लॉग, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी ये वाली ड्रेस आप लोगों को कैसी लग रही है। तू कर पाप के तू की है।
जनम जनम का साथ जनम जनम का साथ
जगत में जलाई राधा से सब कथा सुनाओ सब नागरी कथा सुनाओ हे सब कथा हो तुम बधाई भगवान मल चंद कट चल गयो रहती है पहाड़ों में सब का ध्यान रखती है रहती है पहाड़ों में सब का ध्यान रखती है अपने बच्चों से मैया कितना प्यार करती है अपने बच्चों से मैया कितना प्यार करती है कैसे मनाऊं मन को कैसे मैं धीर करूँगी तुम दिल में Thank you.
जय हो सच्चे दरबार की। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल मान के बिल्कुल आपकी बात हम एकदम मानते हैं सच्चे दरबार की। एक बार दोनों हाथ सीधे बोल करके तो सच्चे दरबार की जय। दुर्गे मैया की जय। जो नहीं बोले उनकी जय। तो जो खा पी रहे उनकी उनकी डबल जय। मैं तो ना पा पता क्या हुआ जयपुर में गई मैंने तो बस भी निकाल दी।